नमस्कार, मैं उपेंद्र आपका फाइव स्टार किचन में स्वागत करता हूँ। भटूरा, छोला और भटूरा फंक्शन त्यौहार में बनाई जाने वाली रेसिपी है, सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। आप रेस्टोरेंट में भटूरा जरूर खाए होंगे। आपने देखा होगा कि वेटर किचन से भटूरा आपके टेबल तक लाता है तो भी वो फुला फुला ही रहता है। आज हम आपको भटूरे के फुले फुले रहने का राज बताएंगे। तो मित्रों, चलिए बनाते हैं भटूरा। भटूरा बनाने की सामग्री है: तेल, मैदा 2 कप, दही 3/4 कप, सूजी 1/4 कप, शक्कर यानी कि चीनी आधा छोटा चम्मच, बेकिंग पाउडर आधा छोटा चम्मच, नमक आधा छोटा चम्मच या स्वाद के अनुसार। बड़े बाउल में मैदा डालेंगे, 2 कप है, बेकिंग पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, चीनी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब सूजी डालेंगे। सूजी डालने से पूरियां जो है, भटूरे जो है, वो फूगे फूगे रहेंगे। दही में हमने पानी डालकर इसे छाछ बना लिया है और अब हम छाछ डाल के एक डो तैयार करेंगे। डो को हमने अच्छे से गूथ लिया है। अब इसमें हम थोड़ा तेल डालेंगे और अच्छे से फिर से गूथेंगे। तेल लगा के हमने इसे फिर से गूथ लिया है। अब हम इसे कपड़े से ढककर कम से कम 2 घंटे तक इसे रखेंगे। थोड़ा सा गीला कपड़ा होना चाहिए। 2 घंटे हो गए हैं, हमारा डो सेट है। देखिए, ये थोड़ा सा फूल भी गया है। डो में से एक छोटा सा डो लेंगे, गोल करेंगे, थोड़ा तेल लगाएंगे, और इसे पतला चारों तरफ से बेलेंगे। चारों तरफ एक ही साइज होनी चाहिए। चारों तरफ की साइज एक जैसी होनी चाहिए। साइज मतलब नीचे से, जो एक तरफ कहीं पतला ना हो, कहीं मोटा ना हो, इस पे आप ध्यान दीजिए। पूरी और भटूरे में दो फर्क होते हैं। भटूरा जो है वो मैदे से बनता है और साइज में बड़ी होती है, और इसमें जो दही डालते हैं, दही से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। और पूरी को हम छोटी बनाते हैं और वह गेहूं के आटे का बनाते हैं। इसी तरह से हम भटूरे बना के अब तलेंगे। भटूरा तलने के लिए तेल का ज्यादा गर्म होना बहुत जरूरी है। अब हम इस तरह से इसे कढ़ाही में डाल देंगे। इसी तरह से सभी भटूरे हम तलकर तैयार करेंगे। तो दोस्तों, भटूरा हमारा बनकर तैयार है। आप कभी होटल में जाते हैं तो देखते होंगे भटूरा इसी तरह से आपको फुगे फुगे लाके देते हैं। इसका राज ये है कि भटूरे में हमने जब डो तैयार किया था तो डो में हमने सूजी डाला हुआ था। सूजी से ये पफी यानी कि फुगे फुगे रहते हैं। भटूरे का मजा छोले के साथ ही आता है, तो आप छोले की रेसिपी भी हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो मित्रों, हमने आपसे रेसिपी शेयर की है। आप भी इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।